लल्ला हम लोग कहाँ है बेटा? कहाँ बेटा हम लोग? कहाँ बेटा हम लोग? हम लोग घर से बाहर आए हैं, हम लोग आए हैं वॉक करने। हम लोग यहाँ लाइट के पास खड़े हैं, लल्ला खड़ी है। लल्ला को सीढ़ी पे जाना नहीं बेटा, उधर गंदा है, गंदा है बेटा। पापा इनके गए हैं बाइक लाने। पापा बोले कि पैदल घुमा दिए हम लोग, अब थोड़ा सा इनको बाइक से हवा दिला देते हैं। जाओगे? हाँ जाओगे, हैं? जाओगे ऊपर? जाओगे ऊपर? कहाँ जा रहे लल्ला हम लोग? कहाँ जा रहे हम लोग? तैयार होके? तैयार होके हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? लल्ला हम लोग तैयार होके कहाँ जा रहे हैं बेटा? बता दो, बता दो। पापा बुला, पापा आया, जल्दी से आ जाइए। पापा क्या कर रहे हैं? पापा को वेट कर रहे हैं हम लोग। आ गए पापा भी, आ गए पापा भी। ट्रेन जा रही है बेटा, ट्रेन जा रही है। ट्रेन पे बैठ के हम लोग नानी घर जाएंगे। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए हो कि हम लोग ज्वेलरी शॉप पे किस लिए आए हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं बेबी के लिए जीवतिया लेने। इस साल मेरा पहला जीवतिया होने वाला है, पहली बार मैं जीवित पुत्र का व्रत करने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो जीवतिया है ना, ये मेरी मम्मी की तरफ से है, यानी बेबी की नानी की तरफ से है, क्योंकि मम्मी ने ये भाड़ा किया था, ये मन्नत किया था कि मेरी रवीना को भी संतान हो जाएगा और जब मेरी रवीना पहली बार जीवतिया व्रत करेगी तो मैं अपनी तरफ से रवीना को गोल्ड जीवतिया दूंगी। तो मम्मी ने मुझे दिखाया था बहुत सारे डिजाइंस। मम्मी गई हुई थी मेरे मायके में ही ज्वेलरी शॉप पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे मम्मी ने बहुत सारे डिजाइंस भिजवाए थे फोटो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने मम्मी से बोला मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम लखनऊ में ही ले लो, मैं पैसा भेज दूँगी। तो इसीलिए लखनऊ में ही मैं आ गई ज्वेलरी शॉप पे देखने, और फिर मुझे पसंद भी आ गया था। अगले दिन नहाए खाए था तो मैंने अच्छे से पूजा पाठ किया, बेबी को गोदी में लिए लिए, नहाए खाए का जो भी नियम धर्म होता है वो सब मैंने किया। आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग भी शेयर कर दिया है वो वाला, होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और उसी दिन शाम में मैं फिर से आ गई थी मार्केट, फिर से मैं ज्वेलरी शॉप पर जा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि मैं भूल गई थी और मैं आप लोग को अभी तक अपना जीवतिया नहीं दिखाई हूँ, वो दिखाऊंगी अभी आप लोग को। अभी आप लोग बस ब्लॉग में बने रहो। फिर से ज्वेलरी शॉप पे आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, पहले वो काम कर लूँ। उसके दुकान पे पहुँचते ही हमारी लल्ला की बदमाशी शुरू हो गई है। देखिए कैसे यहाँ पे बदमाशी चल रही है, इनकी सबके साथ खेल रही है। एक्चुअली जब हम लोग फर्स्ट डे आए थे ना, उस दिन पे बेबी उतना ज़्यादा सबको नहीं पहचान रही थी, लेकिन आज सेकंड डे आए हम लोग तो बेबी सबको पहचान गई, क्योंकि सब लोग इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे। जितने भी यहाँ के स्टाफ थे सब लोग बहुत ही प्यार कर रहे थे बेबी को, तो बेबी को भी सब लोग प्यारे लग रहे थे और खूब मस्ती सूझ रही थी, खूब खेल रही थी यहाँ पे। मैंने आप लोग को बताया नहीं ना कि आज हम लोग फिर से किस लिए आए हुए हैं। उस दिन तो हम लोग को ज्वेलरी पसंद, सॉरी जीतिया पसंद आ गया था, तो हम लोगों ने ले लिया था, बट मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी कि उसको मुझे धागा में भी गुथवाना पड़ेगा, पहनूंगी कैसे, बस ऐसे ही लॉकेट लेके मैं चली गई थी, जीतिया लेके चली गई थी। तो फिर घर गई तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो इसको धागा में गुथवाया ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगले दिन जाके फिर से और उसके बाद जीतिया को धागा में गुथवा लूँगी। तो इसीलिए आज दोबारा से आई हूँ। बेबी की मस्ती देख रहे हैं आप लोग, कितना हंस रहे हैं, कितनी खुश हैं। एक्चुअली सब लोग इनको प्यार कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसीलिए इनको इतनी मस्ती सूझ रही है। तो अभी मैंने अपनी जीतिया को दिया है माला में गुथने के लिए, गुथा जाएगा, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और भी मार्केट में कुछ कुछ काम है, वो सब भी काम करेंगे, वो आप लोग नहाए खाए वाले ब्लॉग में देख चुके हो। देखिए बेबी को यहाँ कितनी मस्ती सूझी है। पहले तो मुझे फर्स्ट डे ये लगा था कि पता नहीं इन लोगों को वीडियो में आना पसंद होगा कि नहीं, इसीलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था। लेकिन फिर आज मैंने नहीं, उसी दिन मैंने बता दिया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसीलिए मैं वीडियो शूट करती हूँ, शायद आप लोग को बुरा ना लग जाए, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम लोग खुद का अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो हम लोग का वीडियो ले सकती हो। तो मैंने वीडियो बाय 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 बाय
गाइस हमारा जीतिया गुथा गया है, अब हम लोग चले गए घर और घर जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपना जीतिया कि मैंने कैसा जीतिया लिया है। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और चलो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने कैसा जीतिया लिया है। इस डब्बे में है मेरा जीतिया, बस खुल जा सेम सेम। ये देखिए, ये रहा मेरा जीतिया जो कि बेबी की नानी की तरफ से यानी कि मेरी मम्मी की तरफ से है, जो कि मैंने अपने खुद के पसंद से यहीं लखनऊ से ही लिया है। मम्मी ने पैसे भेज दिए थे मेरे अकाउंट में। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। और मैं जीतिया व्रत करूँगी तो ये वाला जीतिया पहनूंगी, आप लोग को पहन के भी दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।